कभी नटवरलाल ठगों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन जब से साइबर ठगी शुरू हुई है दुनिया में तमाम नटवरलाल पैदा हो गए हैं। ये लुटेरे इतने शातिर होते हैं कि कई बार पूरी जिंदगी इन तक पुलिस पहुंच नहीं पाती। अब नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अश्लील वीडियो के जाल बुनकर एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। फिर क्या हुआ, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महिला डॉक्टर, साइबर अपराधी, पोर्न वीडियो का जाल और करीब 60 लाख रुपए की ठगी। डिजिटल होती दुनिया में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा, उसी रफ्तार से साइबर लुटेरों ने ठगी के नए नए तरीके इजाद करने शुरू कर दिए। साइबर ठग ऐसा जाल बुनते हैं कि पलक झपकते ही न सिर्फ बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, बल्कि ऐसे लुटेरों का कई बार कभी पता तक नहीं चलता। ऐसे ही साइबर ठगों ने नोएडा में एक महिला डॉक्टर को डिजिटली अरेस्ट कर करीब 60 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने पोर्न वीडियो शेयर करने के मामले में गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर ठगी की। महिला चिकित्सक को पोर्न वीडियो स्कैम में फंसाकर जालसाजों ने करीब 60 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि महिला ने अपनी शिकायत में यह जानकारी दी है कि ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आया था। कॉल दिल्ली के एक स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया गया और ये आरोप लगाया गया कि उनके फोन से पोर्न वीडियो स्कैम के में शामिल होने और साथ ही जो पोर्न वीडियोस हैं वो शेयर की जा रही थी। दरअसल साइबर थाने में लिखित शिकायत के आधार पर महिला दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर है, जिसके पास बीती 13 जुलाई को अनजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को ट्राई का कर्मचारी बताते हुए कॉल मुंबई के तिलक नगर थाने में ट्रांसफर कर दी। डॉक्टर को बताया गया कि पोर्न वीडियो शेयर करने के आरोप में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इतना ही नहीं, ठगों ने उन्हें बेटी के अपहरण की भी धमकी दी। महिला के खिलाफ वारंट जारी हो गया है, इस चीज को लेकर डराया धमकाया गया और इसी को लेकर डिजिटल अरेस्ट किया गया। 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। कई बार में महिला से करीब करीब 60 लाख रुपए ठग लिए गए। आपको बता दें, महिला पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई का डर दिखाया गया और साथ ही महिला के बेटी के अपहरण की बात भी कही गई। स्काइप कॉल के जरिए महिला को 2 दिन तक डराया गया। आखिरकार महिला डॉक्टर ने 15 जुलाई को करीब 50 लाख रुपए ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर किए और अगले दिन भी 10 लाख रुपए भेजे। फिर से पैसे की मांग करने पर पीड़िता को ठगी की आशंका हुई और उन्होंने सेक्टर 36 स्थित साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। आपके मोबाइल के से ऑन वीडियोस का सर्कुलेशन हो रहा है, ये कहते हुए उसका दबाव बनाया और साथ में ये भी कहा कि इससे आपके अकाउंट से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम किया जा रहा है। आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये पैसा आपके हवाला के द्वारा प्राप्त है और मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा आपने पैसा इकट्ठा किया है। इस तरह का उन पर दबाव बनाते हुए उन्होंने सारे पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और लगभग इनको 2 दिन डिजिटल अरेस्ट पर रखा, फोन काटने नहीं दिया। डिजिटली अरेस्ट के पुराने केसों की बात करें तो उसमें इस तरह की धमकी नहीं दी जा रही थी जिसमें बेटी को लेकर धमकी दी जाए या जिंदगी बर्बाद करने की बात कही जाए। ऐसे में साइबर पुलिस के लिए ये घटना नई चुनौती के रूप में सामने आई है। नोएडा में बीते साल दिसंबर महीने में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद अब तक करीब 19 लोगों के साथ साइबर ठगी हो चुकी है। वैसे भी बीते कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के कुछ चुनिंदा तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट, रेप केस के नाम पर ठगी, एक्सीडेंट का डर दिखाकर हॉस्पिटल के नाम पर ठगी, फिंगरप्रिंट स्वैपिंग कर आधार से पैसे निकालना, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी, OTP के जरिए ठगी,
साइबर ठगी के ये वो तरीके हैं जिन्हें साइबर क्रिमिनल खूब इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन वाले साइबर क्राइम्स होते हैं, फिशिंग हो गया, मैलवेयर हो गया, फिर आपके आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक साइबर क्राइम होता है। और जैसे अभी आपके एक साइबर क्राइम में एक नया चला था जो ट्रैफिक चालान में एक फेक लिंक देते थे और उसके थ्रू आपसे पैसे भी वसूल लेते थे, वो भी एक तरह का साइबर क्राइम था। सो इस तरह के बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं जिनका प्रचलन आजकल भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठगी के इन्हीं तरीकों में से एक है डिजिटल अरेस्ट, जिसमें सबसे पहले ठगों की तरफ से टारगेट को FIR वारंट की नकली कॉपी भेजी जाती है, फिर विक्टिम को ठगों की तरफ से कॉल जाता है। तीसरे स्टेप में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया जाता है और फिर बारी आती है वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट करने की। ये शातिर अपराधी पीड़ित को RBI का फर्जी लेटर भेजते हैं। लेटर में जांच होने तक पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करें की बात लिखी होती है और फिर सबसे आखिर में विक्टिम के खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। ये पूरा खेल जब तक चलता है साइबर ठग अपने शिकार को डिजिटल अरेस्ट बनाए रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट अगर हम लोग साइबर क्राइम के दृष्टि से बात करें तो ये एक फेक कॉल्स होती हैं जो कि बहुत आसानी से आप इसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं। और भारत में ज़्यादातर कॉल्स जो आ रही हैं वो +92 के नंबर से रिपोर्ट की गई हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये कॉल्स काफ़ी आती हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। और जब आपके पास ये कॉल्स आती हैं तो वो अलग अलग तरह के आपसे पहले आइडेंटिटी को रिवील करने के तरीके ढूंढते हैं कि पूछेंगे आप अभी कहाँ पे हैं, किस शहर में हैं, फिर वो अपने आप को उसी शहर या उसी प्रदेश का कोई पुलिस अफसर बन के बताएंगे या कुछ भी करेंगे। सो ये जो है ये एक तरह का डिजिटल अरेस्ट करने का जो इनका तरीका है, ये चीज़ है जिसको हम लोग आजकल काफ़ी ये प्रचलन में है जी। कुल मिलाकर डिजिटल लुटेरों से बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और सावधानी। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी ग्रुप पर जोड़ता है तो उससे इसका कारण जरूर पूछें, क्योंकि इन लुटेरों की दुनिया में बड़े बड़े नटवर लाल बैठे हैं जिनमें बड़े बड़े हैकर्स भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।